आपका नाम? अखिल सकलानी। अखिल सकलानी जी, आप ये बताइए आपका एक्सपीरियंस, मतलब आपको कितना साल, मतलब पहले तो आप बताइए आपको टाइम कितना हुआ यहाँ पे पढ़ने? जी मैं 7th स्टैंडर्ड से पढ़ रहा हूँ यहाँ। अच्छा। और 3 साल हो गए मेरे को यहाँ पे। तो आप 7th स्टैंडर्ड से यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस लगभग आपको 3 साल हो चुका है, तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। मतलब कि फैकल्टीज यहाँ पे कैसी है? टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, डाउट सॉल्विंग अच्छी है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। और डाउट्स काफ़ी सही से क्लियर हो जाते हैं। और सपोर्टिंग स्टाफ है? जी जी जी। और स्टडी एनवायरनमेंट कैसा है यहाँ? बच्चे भी काफ़ी सही हैं, एनवायरनमेंट काफ़ी सही अच्छा है, क्विज वगैरह भी हो जाती है, जीके भी बढ़ जाती है। मतलब एक तरह से कॉम्पिटिटिव माहौल है यहाँ पे। यस जी जी। अच्छा, तो अभी आपका जैसे टर्म 1 बोर्ड एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया है, तो आपके सारे एग्ज़ाम्स कैसे गए? एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे गए हैं, और मैथ्स और साइंस स्पेशली काफ़ी सही गया है सर की वजह से। अच्छा अच्छा। तो मैथ्स और साइंस आपके सही, मतलब मोस्टली क्वेश्चंस, मतलब कैसे आए थे क्वेश्चंस आपके, वो क्लासेस में आपके हो रखे थे या फिर मोस्टली क्वेश्चंस आपके देखे हुए थे? हाँ क्वेश्चंस काफ़ी हो रखे थे, सिंपल थे, हमने हार्ड करे थे पर काफ़ी सिंपल आए थे। अच्छा अच्छा। सो थैंक यू। मेरा नाम सृष्टि भाटिया है। तो सृष्टि जी, आप बताइए कि आप कितने सालों से यहाँ पे पढ़ रहे हैं? मैं यहाँ 3 साल। तो आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसे रहा, जैसे फैकल्टीज है यहाँ पे, मतलब फैकल्टीज का नेचर कैसे है, इजीली आपके डाउट वगैरह सारे सॉल्व हो जाते हैं, और प्रॉपरली स्टडी एनवायरनमेंट यहाँ पे कैसा है, उसको जरा थोड़ा डिटेल में? एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, सब कुछ पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है, टीचर्स बेस्ट टीचर्स है यहाँ पे, और कॉम्पिटिटिव नेचर है, एनवायरनमेंट है, और सब अच्छा है। और अभी आपकी जैसे टर्म 1 बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हुए, तो आपके एग्जाम कैसे गए थे? एग्जाम बहुत अच्छे गए थे, और मतलब सारे क्षेत्र में टीचर्स पे कहूँगी, क्योंकि जितने क्वेश्चन मैंने कराए थे मोस्टली उसी क्वेश्चन आए थे, टर्म 1 में मुझे बहुत अच्छे गए। तो थैंक यू। गुंजन जी, आपको कितना टाइम हुआ है ज्वालपा कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े? मुझे 3 साल। आपको 3 साल हुए, तो आप ये बताइए 3 सालों में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो फैकल्टीज यहाँ पे, थोड़ा फैकल्टीज के बारे में बताइए कैसी है? मतलब सपोर्टिंग है कि कैसे? हाँ, सपोर्टिंग है। और डाउट वगैरह आपके अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं? तो मिनिमम आप जैसे 10th में हो, तो आपकी बैच स्ट्रेंथ कितनी है? 10-20। अच्छा, तो मतलब ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, तो हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं अच्छे से कि ताकि अच्छे से डाउट सॉल्व बच्चों के हो जाते हैं। तो आपका जैसे अभी टर्म 1 बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हुआ है, तो आपके कैसे गए एग्जाम? तो यहाँ पे आपने जो पढ़ा वो कितना आपको हेल्प आउट करा? सो आपका नाम? मेरा नाम सौरभ सिंह है। तो सौरभ सिंह, आप बताइए आप कितने सालों से ज्वालपा कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए? मैं इसी साल आया हूँ वैसे तो यहाँ पर। आपको मतलब आप 10th से ही जुड़े हो? 10th से। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ? अच्छा है, टीचर्स काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं, जैसे हमारे गौरव सर हैं, वो हमें साइंस पढ़ाते हैं, तो काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें बताते हैं, सारे टॉपिक्स क्लियर करवा देते हैं। तो मतलब बिल्कुल अच्छे से फील दिला देते टॉपिक की? हाँ, एकदम मज़ा आ जाता है उनके क्लास में। तो और डाउट सॉल्विंग यहाँ पे कैसी है, मतलब फैकल्टीज़ जो कैसे हैं, फ्रेंडली हैं या थोड़ा स्ट्रिक्ट नेचर उनका कैसे हैं? काफ़ी फ्रेंडली हैं टीचर्स। और आपके अच्छे से जैसे डाउट सॉल्व हो जाते हैं? हाँ, डाउट सॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे कि अभी हमें पता चले कि आपकी 20 स्टूडेंट्स की बैच स्ट्रेंथ है, तो मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं है, मतलब क्राउडिंग ज़्यादा नहीं है आपके बैच में? नहीं। तो मतलब अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं आपके? हाँ, सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर हो जाते हैं सबके आराम से। सो आपके टर्म 1 बोर्ड एग्जामिनेशन भी खत्म हो गए? हाँ, हो गए। तो आपके कैसे गए सारे बोर्ड एग्जाम? अच्छे गए हैं, काफ़ी सही पेपर, काफ़ी लेवल का आया था पेपर CBSE की तरफ से। मतलब सारे पेपर आपके अकॉर्डिंग कैसे थे, मतलब अगर मैं कैटेगरी वाइज डिवाइड करने के लिए बोलूँ तो मीडियम थे, इजी थे, हार्ड थे, कैसे थे आप? मीडियम पेपर थे, इतने भी हार्ड नहीं थे। तो मतलब कोचिंग ने आपकी कितनी हेल्प करी आपके पेपर्स में, जो आपके पेपर अच्छे गए, तो कोचिंग में उसका कितना योगदान था? काफ़ी योगदान था, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे कोचिंग क्लासेस में हमने, और बहुत सारे क्वेश्चन सर ने घर के लिए भी दिए थे, तो वो भी करे, उनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आए, उनसे हेल्प मिली है बहुत ज़्यादा। तो मतलब जो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको पेपर में देखने में मिले थे, वो ज़्यादातर मतलब पढ़ाए हुए थे या तो आपके देखे हुए थे? हाँ, पढ़ाए हुए थे सर ने। सो सर, आपका नाम? अक्षत सिंहवाल। तो अक्षत जी, आप ये बताइए आपको कितना टाइम हो गया ज्वालपा कोचिंग के? ये मेरा 3rd ईयर है, मैं 9th से पढ़ रहा हूँ। तो मतलब आप 9th से पढ़ रहे हैं, तो
आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे? सर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि टीचर जो है बहुत हमें इंकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं और नया करने के लिए इंस्पायर भी करते हैं, कभी करियर रिलेटेड डिस्कशंस भी करते हैं हमारे साथ और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। होमली इन्वायरमेंट रहता है मतलब, और जब कोरोना काल था तब भी सर ने ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा हमें पढ़ाया, तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऐसा ही लगा सर की प्रेजेंस ऐसी है, सर का ऑरा ऐसा है कि ऐसा ही लगा कि ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। कोविड के टाइम पे जो आपका जैसे ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट हुई थी तो आपकी जूम पे हुई थी? नहीं, एक ऐप था टीचमेंट करके, उस पे हमने शुरू में ऑनलाइन क्लासेस करी थी, फिर एक ज्वालपा कोचिंग क्लासेस नाम का एक ऐप लॉन्च किया था, फिर आधी क्लासेस उसी से हुई। अच्छा, तो वहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस कंडक्ट की गई थी। तो यहाँ पे आपको कौन सी फैकल्टी लगती है जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो, जो आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग लगती है? दोनों ही सर, आशीष सर और गौरव सर, दोनों ही सर बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है और इंकरेज भी करते हैं हमको। और दोनों कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं? आशीष सर हमें मैथ्स पढ़ाते हैं और गौरव सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री 11th 12th का। अच्छा, तो सर आपकी परसेंटेज कितनी थी 10th? 10th में मेरी 97.4% थी। तो आपकी 97.4% थी और वेरी गुड, पहली बात तो, और आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपने 11th में आपकी स्ट्रीम कौन सी? PCM है विद कंप्यूटर साइंस। तो PCM विद CS आपने लिया है, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जैसे पहली चीज़ तो इंजीनियरिंग को परस्यू करूँगा आगे, और कंप्यूटर साइंस इसलिए ले रखा है क्योंकि कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे, इसलिए कंप्यूटर साइंस को ऑप्ट किया। तो जैसे आप इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए एक एग्ज़ाम होता है जो हमारा JEE एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन आप यहीं से कर रहे हो या फिर अलग से? यहीं से हो रही है सारी प्रिपरेशंस, JEE के भी और NDA के भी दोनों कम्बाइंड। अच्छा, तो आप NDA और JEE दोनों के लिए कर रहे हो, सो वेरी गुड। ठीक है, थैंक यू। सो आपका नाम? सृष्टि बिजलवानी। तो सृष्टि जी, आप ये बताइए आपको कितना टाइम हुआ है अभी? मैं यहाँ पर 10th में आई थी, तो मेरे को अभी 1 साल हुआ है और मैं 11th की कोचिंग भी यहीं से कर रही हूँ। अच्छा, तो 11th की भी आप कोचिंग यहीं से परस्यू कर रहे हो, तो आप ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस इन 1 साल में कैसा रहा? यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। यहाँ पर उस टाइम कोविड सिचुएशन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चली थी स्टार्टिंग में, ज्वालपा कोचिंग क्लास ऐप के नाम से हुई थी, और यहाँ पर टीचर्स बहुत मोटिवेटिंग है, जैसे कि गौरव सर और आशीष सर हैं यहाँ पर, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और 10th की पूरी तैयारी इन्होंने ही कराई थी। तो 10th में जैसे आपको कितनी हेल्प मिली थी यहाँ कोचिंग से? अबाउट 80% आई कैन से, बिकॉज देयर कोविड सिचुएशन एंड इन्होंने ही हमें सारे क्वेश्चंस कराए थे, डाउट सॉल्व कराए थे, टेस्ट लिए थे, तो उन्हीं टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए थे वही मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आए थे। तो ऑनलाइन जैसे कोविड का टाइम आया था तो ऑनलाइन कोचिंग शिफ्ट हो गई थी, तो एज अ स्टूडेंट आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे? पहली बात तो सबसे पहले ऑनलाइन में नेटवर्क इशू होता था, तो नेटवर्क इशू होने के बावजूद भी हमारे डाउट्स यहाँ पर सॉल्व किए जाते थे। दूसरा, यहाँ पर टेस्ट पेपर हमें हर हफ्ते मिलता था, डाउट सॉल्विंग के साथ साथ यहाँ पर हर हफ्ते टेस्ट होता था, हर टॉपिक वाइज हमारा टेस्ट लिया जाता था, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों से हम लोगों को यही यहाँ पर जानने को मिला है कि जो फैकल्टीज़ हैं ज्वालपा कोचिंग क्लासेस की वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग है, और दूसरी बात जो इजीली यहाँ पे डाउट सॉल्व, मतलब जैसे आपकी क्राउड जो बैच है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 20 to 25 स्टूडेंट्स रहे थे। तो मतलब जैसे 11th की भी स्ट्रेंथ लगभग 20 to 25 और 10th की भी, तो मतलब ज़्यादा बैच स्ट्रेंथ ना होने के कारण यहाँ पे इजीली जो बच्चों के डाउट हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। सो आपके 10th में कितने परसेंटेज आए थे? 98%। तो आपने अभी 11th में कौन सी स्ट्रीम चूज़ करी है? मैंने PCB ली है। और आपके जैसे फ्यूचर प्लान्स कुछ? हाँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो उसके लिए नीट की कोचिंग भी मैं यहीं से कर रही हूँ। तो यहाँ पे इजीली आपको सारे मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड करा दे? जी बिल्कुल, यहाँ पर मॉड्यूल्स मिलते हैं, टेस्ट पेपर मिलते हैं, DPPs दी जाती हैं हर हफ्ते डेली, या हर हफ्ते होता है ये डाउट सॉल्विंग सेशन होता है। अच्छा, और जैसे टेस्ट यहाँ पे वीकली लिए जाते हैं, मंथली लिए जाते हैं, मतलब किस बेसिस पर टेस्ट का शेड्यूल क्या है यहाँ पे? यहाँ पर हर हफ्ते टेस्ट लिए जाते हैं और टॉपिक वाइज टेस्ट लिए जाते हैं, चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट लिए जाते हैं। सो आपका नाम? विश्वास रतूड़ी। विश्वास रतूड़ी। तो विश्वास जी, आप ये बताइए आपको कितना टाइम हुआ है ज्वालपा कोचिंग क्लासेस से जुड़े हुए? मैं 10th में आया था इधर और मुझे अभी 1 साल हो चुका है कंप्लीट। तो 1 साल हुआ है, तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है सर, आशीष सर, गौरव सर बहुत मोटिवेटिंग है, और हमें हर एक हमारे ऐसे चाइल्ड फेस में उन्होंने हर समय मदद की है और मोटिवेट किया, और हमें हर कंडीशंस में इंकरेज किया है आगे बढ़ने के लिए।
और यहाँ पे जैसे आप 11th में हो तो आपके 10th में कितने परसेंटेज आए थे? मेरे 94% आए थे. सो 94% आपके आए, काफ़ी ज़्यादा अच्छे परसेंटेज है, वेरी गुड. तो आपने जैसे 11th में कौन सी स्ट्रीम परस्यू करी? मैंने PCB प्लस IP की है परस्यू. तो आपके जैसे फ्यूचर प्लान्स कुछ? फ्यूचर प्लान्स, पहले तो मैं मेडिकल लाइन परस्यू करना चाहूँगा, और अगर बाई चांस नहीं होता है तो IP से मैं आगे परस्यू करूँगा. तो ज़रा IP, काफ़ी ज़्यादा दर्शकों को हमारे पता नहीं होगा कि IP क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा एक बार विस्तार से आप बताने का. जी बिल्कुल. IP की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस. उसमें हमें बेसिकली कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स के बारे में बताते हैं, और वो हमें आगे फ्यूचर में भी ज़्यादा काम आते हैं. सो जैसे अभी कोविड का टाइम था, तो काफ़ी ज़्यादा जैसे स्टडी जो हमारी ऑनलाइन एज अ शिफ्ट हो गई थी, तो एज अ स्टूडेंट आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे? एज अ स्टूडेंट सबसे बड़ा चैलेंज था कि लर्निंग का था, और हमारा पूरा टाइम टेबल मतलब ख़राब हो गया था, और मतलब हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था. और कोचिंग इस समय आपकी किस तरह से सहायक बनी थी, मतलब एज अ हेल्पिंग हैंड बनी थी? एज अ हेल्पिंग हैंड कोचिंग के जो सर हैं हमारे, उन्होंने हमें उस फेज में भी बहुत मोटिवेट किया था, और हमें ऐसी हर एक चीज़ पढ़ाई थी जो हमें बोर्ड में काम आ सके और हमारे परसेंट ताकि अच्छे आ सके. और इजीली आपके डाउट सॉल्व हो जाते थे ऑनलाइन टाइम पे भी? जी बिल्कुल, हमारे डाउट्स एकदम क्लियर कट सॉल्व जाते थे. थैंक यू बेटा. सो आपका नाम? साक्षी वंत. और आपका? मनीषा रावत. तो आप दोनों जैसे कब से पढ़ रहे हो जलपा कोचिंग? मैं 4th क्लास से पढ़ रही हूँ. 5th क्लास से. तो आप जैसे काफ़ी ज़्यादा पुराने स्टूडेंट्स हो, और अभी आप कौन सी क्लास में? 11th. तो काफ़ी ज़्यादा पुराने स्टूडेंट है. तो आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा है. टीचर्स यहाँ के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं. मतलब जब हमारे ट्यूशन में कम मार्क्स भी आते हैं या हम टेस्ट में अच्छा नहीं परफॉर्म करते, तो बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं, बोलते हैं कि मतलब हार नहीं माननी है लाइफ में, और बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं. मतलब वो पढ़ाते बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत समझाते हैं. मतलब वीक बच्चे को भी बहुत अच्छे से मतलब वो करते हैं, समझाते हैं उसे, और रिजल्ट भी यहाँ का बहुत अच्छा रहता है. तो कोई आपकी कोई फैकल्टी जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो यहाँ पे? हाँ, प्रिया मैम है, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं. प्रिया मैम, उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुई. उन्होंने मुझे लाइफ में बहुत मोटिवेट करा है. जब मैं अच्छा नहीं पढ़ रही थी, मतलब मेरे बहुत कम नंबर आए थे, तब भी उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट करा है कि आप अच्छा कर सकती हो, और उसके बाद मेरा प्रोग्रेस बहुत अच्छा रहा है. तो कौन से सब्जेक्ट की टीचर हैं प्रिया मैम? प्रिया मैम बायो की हैं, बायो भी पढ़ाती है वो. और बेसिकली मैं जब छोटे से हो तो उन्होंने मुझे मैथ, साइंस, इंग्लिश वगैरह सब कुछ पढ़ाई है, और मेरा सब में रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है. तो जैसे कि आपने मेरे अकॉर्डिंग टू मी आपने 11th में बायो ली है? हाँ, मैंने बायो ली है. तो आपके आगे फ्यूचर प्लान्स जैसे कुछ? मेरा MBBS, पहले मैं नीट क्रैक करना चाहूँगी, और MBBS डॉक्टर का सोचा. तो यहाँ पे आपको किस तरह से हेल्प मिल रही है? हेल्प मुझे यहाँ बहुत अच्छे से मिलती है. मतलब वो लोग एकदम मतलब बड़े भाई वगैरह की तरह, सर लोग और मैम भी बड़ी मतलब सिस्टर की तरह ट्रीट करते हैं बहुत अच्छे से. आगे के हमें प्लान्स बताते हैं कि लाइफ में आप लोग डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, उस गोल के हिसाब से हमें मतलब प्रिपेयर करते हैं. एग्ज़ाम्स के बारे में बताते हैं, रोज़ हमें पेपर वगैरह मिलते हैं यहाँ से हर उसके, और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसमें, तो अच्छा रहता है. और आपकी जैसे स्ट्रीम? मेरी PCM. आपकी PCM है. तो आपके जैसे फ्यूचर प्लान्स? मेरा भी इंजीनियरिंग है. इंजीनियरिंग. तो यहाँ पे आपका कोई फैकल्टी आपकी जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हो? हाँ, विदुषी मैम से. तो वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आपको? मैम फिजिक्स केमिस्ट्री. तो आपको क्या क्या चीज़ लगी उनमें अच्छी, जिनके कारण आप इंस्पिरेशन आपने बनाया उन्हें? मैम पढ़ाती बहुत अच्छा है फिजिक्स, और बहुत हेल्प कर देती है. और यहाँ पे आपका प्रॉपरली जैसे डाउट वगैरह सॉल्व हो जाते हैं? हाँ, सब हो जाते हैं. और जैसे टेस्ट का यहाँ पे क्या है, वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली होते हैं, डेली बेसिस पे किस तरह से टेस्ट शेड्यूल है? वो तो चेंज होता रहता है, वीकली भी मंथली भी. सो सर आपका नाम? मेरा नाम अभिमन्यु सिंह गोसाई है. और आपका? शौर्य बिंजोला. आदित्य सजवान. तो जैसे आप कब से ज्वालपा कोचिंग स्थान से जुड़े हुए हो? मेरे को अभी रिसेंटली 6 मंथ्स हो गए हैं. तो आपको अभी 6 मंथ्स हुए, और आप कौन सी क्लास में हो? मैं भी 11th में हूँ. एंड आपको? मेरे को भी 6 मंथ्स. मुझे 4 मंथ्स. तो 4 मंथ्स. तो आपका इतने इन महीनों में जैसे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे? काफ़ी अच्छा रहा है, और टीचर्स भी काफ़ी अच्छे, फ्रैंक है, और
काफ़ी अच्छे लेवल की पढ़ाई हो जाती है। जैसे स्कूल के स्कूल में हमारा जैसे नॉर्मल सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो फिर उससे एडवांस लेवल का जो हमें चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, उसकी तैयारी यहाँ पर अच्छे से हो जाती है। तो जैसे अभी कोविड था, तो जिसकी वजह से लॉकडाउन हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों की जो स्टडी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। तो एज अ स्टूडेंट आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे? ऐसे कोई मतलब मेजर चैलेंजेस थे नहीं, क्योंकि एक तो सर का यूट्यूब चैनल है और ऊपर से सर ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट करते थे रेगुलर। इसमें जूम पे नहीं, इनका एक खुद का ऐप भी है जॉलपा कोचिंग क्लासेस है, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो कैसे आपकी क्लासेस होती थी शेड्यूल? जैसे 5 से 6 मैथ्स की, फिर 5 से 8 तक मतलब नॉर्मल क्लासेस हमारी चलती थी, तो बीच में तो जैसे आपके प्रॉपरली आपके डाउट सॉल्व हो जाते थे ऑनलाइन क्लासेस में? जी। तो जैसे एज अ स्टूडेंट आपको किस फैकल्टी ने यहाँ पे इंस्पायर करा है? मेन हमारे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के सर है गौरव सर। तो आपको उनमें ऐसा क्या अच्छा लगा? पहली बात तो काफ़ी फ्रैंक है और ऊपर से काफ़ी अच्छी हमारी स्टडी हो जाती है उनके साथ, और रेगुलर बेसिस में टेस्ट भी होते रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, डाउट भी क्लियर होते रहते हैं। सो लॉकडाउन में आपको, जैसे कोविड-19 अभी हुआ था, तो लॉकडाउन में आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे एज अ स्टूडेंट? चैलेंजेस तो कोई थे नहीं, क्योंकि सर ने ऑनलाइन क्लासेस रखी थी तो उसमें सारी प्रिपरेशन हो जाती थी आराम से, और सर मतलब अच्छे से हर एक बच्चे का डाउट सॉल्व भी करते थे और मतलब लेक्चर भी अच्छा रहता था, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ऐसे। तो यहाँ पर आपकी जैसे बैच स्ट्रेंथ कितनी है? हमारे 14 to 15 स्टूडेंट्स। 14 to 15, तो ईजिली आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाते होंगे? हाँ, आराम से हो जाते हैं डाउट सारे सॉल्व। सो आपको एज अ लॉकडाउन में क्या एज अ स्टूडेंट क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे? चैलेंजेस तो थे नहीं, आशीष सर गौरव सर सब अच्छे से ऑनलाइन पढ़ा रहे थे तो उसी में डाउट क्लियर हो जाते थे। तो मतलब सारे डाउट्स आपके प्रॉपरली सॉल्व हो जाते थे? हाँ जी। तो मेन आपकी जो क्लासेस थी वो जो ऐप में होती थी आपकी, तो मतलब ऐप में आपका एज अ ड्यूरिंग स्टडी आपका कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा था। अगर डाउट होते थे तो हम उसी टाइम कॉन्स्टेंटली पूछ लेते थे सर से, तो सर उसी टाइम बता देते क्लास रोक के। ठीक है। सिद्धार्थ राणा। तो सिद्धार्थ जी, आप ये बताइए आपको कितना टाइम हुआ है ज्वालपा कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए? 2 ईयर्स हो गए। 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स हो गए, अभी आप जैसे 10th में हो, तो आप मतलब 8th क्लास से आ गए थे, तो आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा था। फैकल्टी बहुत अच्छी है यहाँ की, साइंस के लिए भी अच्छा पढ़ाते हैं और मैथ्स के लिए सर हैं आशीष सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आपकी फेवरेट फैकल्टीज यहाँ पे जिन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया? साइंस गौरव सर। गौरव सर और आशीष सर भी। तो जैसे कोविड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन लग गया था एंड आपकी जो पढ़ाई भी थी वो भी ऑनलाइन मोड में आ गई थी, तो एज अ स्टूडेंट आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? चैलेंजेस यही थे कि ऑनलाइन कभी नेट ख़त्म हो जाता था, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी फ़ोन का, ऑनलाइन तो अब इशू होता ही है बहुत ज़्यादा, इसलिए पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम होती थी। और तो कोचिंग संस्था का क्या योगदान था आपके? कोचिंग संस्था जो होती है, जो हमें अच्छे से जो हम स्कूल से पढ़ के लाते हैं उसको हम रिवाइज करते हैं कोचिंग में आके, और अब जो हमने पढ़ा होता है उसको और बेहतरीन तरीके से हमें समझा के पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रॉपरली डाउट वगैरह सॉल्व हो जाते हैं? हाँ सर, हाँ बिल्कुल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे टेस्ट, जो टेस्ट कैसे होते हैं आपके, वीकली होते हैं, डेली होते हैं, किस बेसिस पे आपके टेस्ट का यहाँ पे शेड्यूल है? टेस्ट तो जैसे एक चैप्टर ख़त्म होता है उसके बाद टेस्ट हो जाता है हमारा, और यहाँ पर टेस्ट भी होता है और क्विज भी होती है, जिसकी वजह से जनरल नॉलेज भी बच्चों की स्ट्रांग होती है। थैंक यू। सो आपका नाम? कृतिका। सो कृतिका जी, आप ये बताइए आप कितने सालों से इस संस्थान से जुड़ी? मैं तो न्यू, अभी अगस्त में स्टार्ट किया मैंने अभी। तो अभी अभी फिलहाल में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, टीचर्स के अच्छे मिले हुए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ टीचर्स को एक्सप्लेन करने का, तो एक्सपीरियंस तो अभी अच्छा ही है। तो जैसे लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा स्टडी जो थी हमारी ऑनलाइन मोड में चली गई थी, तो एज अ स्टूडेंट आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? चैलेंजेस तो बहुत थे, जैसे कि उसने बोला नेट खत्म हो जाता था, और ऑनलाइन में इतना अच्छा फैसिलिटी मिलती भी नहीं थी ना, कि मतलब कई बार होता था कि क्लास ना भी अटेंड करें, बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसे। तो आपकी ऑनलाइन में ऑनलाइन टाइम पे आप ज्वालपा कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ चुके थे? हाँ, अगस्त टाइम तक। हाँ हाँ। तो आपकी जैसे क्लासेस किस मोड पे कंडक्ट हुई थी? ज्वालपा की कि स्कूल वाले में? जो ज्वालपा कोचिंग क्लासेस में आपकी? मैंने ऑफलाइन ही किया, पूरा ऑफलाइन से करा था। अच्छा, एंड में ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के बारे में आपकी क्या राय रहेगी? आप बाकी जो बच्चे हैं, बाकी जो अभिभावक हैं जो यहाँ पे अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहेंगे, उनके लिए आपकी क्या सलाह? मैं लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि अ गुड टीचर इज दैट हु पेंट्स आवर थॉट एंड आल्सो हाइलाइट्स आवर फॉल्ट्स। वेरी गुड। तो दर्शकों, ये थी हमारी मुलाकात ज्वालपा कोचिंग संस्थान, जो कि देहरादून में काफ़ी मशहूर है, उनके कुछ बच्चों से आज हमारी मुलाकात थी, और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने उनसे बातचीत करी, और जो हम लोगों को ज़्यादातर जानने में मिला, जो बच्चों के काफ़ी ज़्यादा फैकल्टीज़ है जिन्होंने उनके वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करा उन्हें, वो आशीष सर एंड गौरव सर,
तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अगली जो हमारी वीडियो है उसमें उनका एक पर्सनल इंटरव्यू लें और आपसे आपकी उनसे मुलाकात कराएं। धन्यवाद।